डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाता है तो ये पत्थर स्पर्शता रैखिकता ही उड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये डोरी से हम ऐसे नचा रहे हैं तो ऐसे नचते नचते जाएगा। यहाँ पर लड़का है, डोरी नचा रहा है तो गेंद ऐसे नचेगा। जब ये टूटेगा तो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और चैनल पसंद आए तो व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। रिपोर्ट एरर हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सुधारना होगा दोस्तों। ठीक है, ये हिंदी में आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। और ऐसे ही आने वाला जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा तो मैं आपको ला के दूँगा। ओके, जिससे कि आपको आने वाला जो एग्ज़ाम होगा जिससे लड़े और अब उसको सॉल्व कर सके, फंसना नहीं है। ये कम से कम टोटल वीडियो मेरा देख लीजिएगा। ओके, अंडा मृत्यु जल में डूब जाता है किंतु नमक में सांद्र घोल में तैरते रहता है। देखिए क्यों, क्योंकि नमक घोल में डेंसिटी हाई हो जाता है। ठीक है, तो घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए वह तैरते रहता है। ओके, घोल अंडे की बाहरी सतह अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। नमक के घोल वाले जलीय बिलियन के अंडे को डुबाया जाता है तो परासरण क्रिया द्वारा अंडे में उपस्थित द्रव्य नमकीन जल में आ जाता है, जिसके कारण अंडा सिकुड़ जाता है और जल में तैरने लगता है। परासरण विधि द्वारा किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से पूर्णतः घूर्णन कर रहा है, घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल यानी एंगुलर मोमेंटम को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने दोनों हाथ को फैलाना होगा। ओके, अपने दोनों हाथ को फैला लेना होगा तब जाकर एंगुलर मोमेंटम कम जाएगा। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, क्योंकि यह पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। घोल जो होते हैं पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। ओके, घोल जो होता है पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, इसलिए न्यूटन मीटर प्रति किसका मात्रक है। न्यूटन मीटर मात्रक किसका है ऊर्जा का है। ठीक है, न्यूटन मीटर मात्रक किसका है, ऊर्जा का है। फोर्स का मात्रक बल का मात्रक फोर्स है। एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। शक्ति का पावर होगा दोस्तों, ठीक है, वाट होगा यानी डायनोमो के इसे परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यांत्रिक यानी सिस्टम एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है डायनोमो। दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है, दूध का डेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, दूध का डेंसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब दूध से मक्खन निकाल लेंगे ना तो उसका डेंसिटी बढ़ जाता है दूध का। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। सही कौन कौन ये देखते पर तो सही कौन कौन ये देख लेता है। किसी पिंड का भार विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, यस ये सही है दोस्तों। किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर चंद्रमा पर और रिक्त स्थान में समान होता है, नहीं ये गलत होगा। किसी पिंड की भारीता की स्थिति पर उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, हाँ होती है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र ताल पर किसी भी पिंड को भार और द्रव्यमान समान होता है, नहीं ये नहीं होगा दोस्तों। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर देखिए द्रव्यमान है तो पृथ्वी पर चंद्रमा पर रिक्त स्थान समान होगा दोस्तों, ये सही होगा। ठीक है, हाँ ये गलत होगा। पृथ्वी की सतह पर समुद्र ताल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, नहीं। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या होती है तो द्रव्यमान होता है दोस्तों, ठीक है, द्रव्यमान होता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम के मूलभूत माप को कहते जाता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा इसका द्रव्यमान रहेगा ही। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके जो पलायन वेग है, बताया था दोस्तों पलायन वेग है लेस देन ऑफ ओरिजिनल वेलोसिटी के। निम्नलिखित में किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा तो अंटार्कटिका में, क्योंकि ये पोल है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर काम करता है, ठीक है। न्यूटन के खोज की थॉमसन ने किसका खोज किया था तो इलेक्ट्रॉन का। ओके, न्यूटन कूलिंग लॉ क्या है बताइएगा दोस्तों, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसके बारे में दिया है। आधुनिक द्रव चालित प्रणाली पास्कल के नियम पर काम करता है। ओके, हाइड्रोलिक प्रेशर जो कि बहुत कम बल से अधिक भार उठाने में उपयोगी होता है, पास्कल के नियम पर काम करता है। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, देखिए न्यूटन मीटर नहीं है ये बताना है तो गतिज ऊर्जा का नहीं होगा, सॉरी दोस्तों। कमिंग ऑफ द प्रॉब्लम इन सिस्टम नाउ द प्रॉब्लम, देखिए आई गेट इट ऑफ द क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर नहीं है। देखिए न्यूटन मीटर नहीं है, है किसका किसका ये देखता हूँ।
गतिज ऊर्जा का होगा, कार्य का भी होगा, ऊर्जा का भी होगा, न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं है, न्यूटन मीटर नहीं है, किसका नहीं है, तो बल का नहीं है, क्योंकि बल का फोर्स होता है। धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों, किसका, उसका जड़त्वता को, जड़त्वा गति को तेज करता है, ठीक है। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जो है, शरीर की गति का जड़त्वता है यानी इनर्शिया जो है उसको ज़्यादा दूर करने में मदद करता है। ओके, स्पीड इनर्शिया जो है उसको ज़्यादा दूर करने में मदद करता है, स्पीड इनर्शिया। छलांग लगाते समय धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी दौड़ता है, क्योंकि इस छलांग लगाते समय उसके शरीर की जो है स्पीड ऑफ इनर्शिया उसको ज़्यादा दूर करने में मदद करता है। भिन्न भिन्न द्रव्य के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। ओके, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक शिखर से गिराते तो दोनों एक साथ गिरेगा, ठीक है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुँचेंगे। कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण यानी कोणीय वेग होता है, ठीक है। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, कोणीय वेग इनटू जड़त्व आघूर्ण होता है। भौतिक विज्ञान में कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, एंगुलर मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है, किसी विशेष अक्ष में सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण या कोणीय वेग के गुणा के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। किसी भी कणों के निकाय जैसे दृढ़ पिंड का कोणीय वेग संवेग उस निकाय में उपस्थित सभी कणों के संवेग के योग के तुल्य होता है, जहाँ आर उस बिंदु के सापेक्ष उस कण की स्थिति सदिश होती है। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरक्षण से संबंधित है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके संरक्षण का संबंधित है, ऊर्जा का। बर्नौली सिद्धांत किससे संबंधित है, ऊर्जा का। बर्नौली सिद्धांत किससे संबंधित है, ऊर्जा का, ऊर्जा का, ऊर्जा का, बर्नौली का, ठीक है। जब कोई असंपीड्य तथा आशयान एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की ऊंचाई अर्थात दाब, गतित ऊर्जा तथा स्थितित ऊर्जा का योग नियत रहता है। ओके, नियतक इस प्रकार बर्नौली का प्रमेय इस प्रकार प्रभावित है कि ऊर्जा संरक्षण पर ही सिद्धांत कार्य करता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर क्यों तैरती है, क्योंकि पारे का पृष्ठीय तनाव अधिक होता है। ओके, पृष्ठीय तनाव के कारण लोहे की सुई पारे की सतह पर पृष्ठीय तनाव के कारण तैरती है। पृष्ठीय तनाव का एक गुण है जो बाहरी बल का प्रतिरोध करता है, ठीक है। इस प्रकार पानी ऊपरी सतह अपने से अधिक घनत्व वाले पदार्थ का प्रतिरोध करता है। यह नियम लोहे की सुई पर भी कार्य करता है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने के में शामिल कौन कौन है, स्याही की सहायता है, ठीक है, केशित्व अभिक्रिया परिघटना, ये आपका सही होगा। शामिल सोखने का है तो कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, कैपिलरी एक्शन केशकीय अभिक्रिया परिघटना होता है। केशकीय अभिक्रिया परिघटना का ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है कहाँ, भार क्या होता है, न्यूनतम करना है ना, तो न्यूनतम करने के लिए विषुवत रेखा पर रखना होगा। किस पर रखना होगा, विषुवत रेखा पर। सॉरी दोस्तों, सिस्टम में खराबी आ गया था, तो कैपिलरी ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल हुआ था, कैपिलरी एक्शन के कारण होता है, ठीक है। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे पृथ्वी के कहाँ पर ले जाए, सेंटर पर ले जाए। ओके, पृथ्वी का ये सेंटर पर अगर ले जाए तो उसका वेट क्या हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा या कम से कम हो जाएगा, लेकिन इसे पोल पर ले जाएंगे तो सबसे अधिक हो जाएगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर। पृथ्वी द्वारा नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान शून्य हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्व केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, ब्रह्मगुप्त ने बताया था, ठीक है। ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी से 668 तक रहा था, भारतीय गणितज्ञ था, तत्कालीन गुर्जर प्रदेश जिसे भीनमाल कहते के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। इस दौरान उन्होंने दो विशेष ग्रंथ लिखे, ब्रह्म स्फोटक सिद्धांत, अखंड खाद्य पद्धति लिखा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते तो घड़ी की सुई क्या हो जाएगी, घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। ओके, आपको बता दिया टाइम पीरियड बराबर क्या होता है दोस्तों, 2π एल कांडर रूट बाय जी।
गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना क्यों होता है? क्योंकि सुई प्रेशर अधिक एग्जर्ट करता है नाखून की तुलना में। सॉरी दोस्तों, नाउ अगेन इज द प्रॉब्लम क्रिएटिंग। सो गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है। देखिए, मैंने यही बोला था दोस्तों, ठीक है। सो कि प्रेशर अधिक एग्जर्ट करता है कौन? सुई, नाखून की तुलना में। लेफ्ट में मनुष्य का प्रत्यास्थ वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। ओके, लेफ्ट में मनुष्य का प्रत्येक वजन वास्तविक वजन से कम कब होगा? नीचे आते हुए, ठीक है। त्वरण से जो नीचे की ओर आते हैं ना, तब। नाउ अगेन क्रिएटिंग ऑफ द प्रॉब्लम। सो सॉल्व द लिफ्ट में मनुष्य देखना अगला बार नहीं हो, ठीक है, आपको नहीं दोस्तों, अपने स्टाफ को बोल रहा हूँ। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्येक वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब वह लिफ्ट नीचे जा रही हो तब। ओके, लिफ्ट बताया था नीचे जा रही हो तब। पहले बोल देते हैं दोस्तों, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तय कर सकता है? 36 से 45 डिग्री कोण पर मारना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला था u² sin 2q/g होता है। साइन थीटा अधिकतम मान 90 डिग्री होता है, अतः दिए गए सूत्र में थीटा 45 डिग्री पर करेंगे तब r का मान अधिक होता है, यानी रेंज अधिक होगा। r बराबर रेंज कहते हैं दोस्तों, तो दूरी को व्यक्त करता है इसे, तथा अनुसार गेंद को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करने पर अधिकतम दूरी तय करेगा। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक बताया था दोस्तों, जूल होता है। ओके, फोर्स न्यूटन होता है, वाट वर्क का होता है। किसी वस्तु का 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर ले जाते तो 20 जूल होता ही है दोस्तों। ये फार्मूला है आपके लिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसके लिए है? दूरी के लिए है। ओके, एम्पियर से नापते धारा को, टाइम सेकंड के लिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4 सेकंड 10 व 15 मीटर दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर है तो साल भर में तय की गई दूरी। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस किसे कहते हैं दोस्तों? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप कौन होता है? द्रव्यमान होता है दोस्तों। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल कण है जो पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन या गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। उच्च वेग क्या है? मैक है। उच्च वेग के लिए कौन है? मैक है। तरंग दैर्ध्य के लिए एंगस्ट्रॉम में, दाब के लिए पास्कल है, जूल के लिए ये है। तो आपके लिए आंसर ये सही रहेगा, 1, 2, 3, 4 जूल। किसका मात्रक है? कार्य का, यानी ए का 3 हो गया। ओके, आपका ए के 3 से संबंधित कौन होगा? तो आपका पहले ही ऑप्शन से मिल जा रहा है। ऐसे भी आप ट्रिक अपना सकते हो, जब एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो ट्रिक अपना सकते हो। जब ऐसी आंसर अगर कॉमन नहीं आ रहा है, ओके, एक ही कॉमन है, तो आंसर आपको पहली बार में मिल जाएगा। सबको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर याद है तब। अगर चैनल पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप पर शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और सिस्टम में जो मेरा ख़राबी हो गई है उसको मैं सुधार दूँगा दोस्तों, ठीक है, या सुधारते रहता हूँ। हालांकि ये सिस्टम है ना, इसलिए ख़राबी होते रहता है। इसके लिए सॉरी।